हेलो फ्रेंड्स, अमित तोंगर नाम तो पता ही है आपको। आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है रिश्ते की डोर। मतलब कोई भी रिश्ता हो, वो जो कनेक्शन होता है ना एक दो लोगों के बीच, उस वो जुड़ा होता है एक डोर से। हम चाहे कितने ही दूर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमेशा अपनों से हम जुड़े होते हैं। तो वो जो डोर हमें जोड़े रखती है, उस डोर के बारे में ही कुछ लिखा है मैंने। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं रिश्ते की डोर। अपने एहसासों को गूथ कर एक रोज हमने एक डोर बनाई थी, जिसका एक सिरा मैंने पकड़ा था और दूसरा सिरा तुमने। अपने अपने सिरों की तरफ से हर रोज हम लम्हों के खूबसूरत मोती उस डोर में पिरोते थे। सालों तक सुख दुख और न जाने कितनी भावनाओं से लिप्त लम्हों के मोती हमने उस डोर में पिरोए थे। कितनी खूबसूरत माला सी लगती थी वो उन लम्हों के मोतियों से भरी डोर। वो कितना गुमान था मैं अपने रिश्ते की उस डोर पर, जिसके दोनों किनारों से हम दोनों जुड़े हुए थे। बहुत मजबूती से पकड़े थे किनारे हमने अपने रिश्ते की डोर के। किसी भी परिस्थिति में मुश्किल था छूट पाना रिश्ते की उस डोर का। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि कुछ उलझनों के चलते मुझसे डोर का किनारा ढीला पड़ने लगा। तुमने मुझसे कुछ सवाल किए, मुझ पर नाराजगी जताई और मैंने फिर से उस डोर के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन फिर से मुझसे वो किनारा ढीला पड़ने लगा। मैं चाहता था उससे मजबूती से पकड़े रखूं, लेकिन मुझसे मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तुमने फिर से मुझसे सवाल किए, मुझ पर नाराजगी जताई और मैंने फिर से उस किनारे को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक तुम अपनी तरफ वाला किनारा छोड़ चुकी थी और सारे लम्हों के मोती बिखर गए थे जमीन पर। मैंने धागे को छोड़ लम्हों के मोतियों को समेटने की कोशिश की, तुमने भी कुछ मोती समेटे और फिर हमने उस डोर को ढूंढना चाहा, लेकिन वो डोर हमें कहीं ना मिली। वो डोर तब तक हमारी आंखों से कहीं ओझल हो चुकी थी। ऐसा सब भी थे तुम्हारे पास मेरे पास, लेकिन अब मुमकिन नहीं था दूसरी डोर का बन पाना। हम अपने द्वारा समेटे हुए लम्हों के मोतियों को लेकर हमेशा के लिए अलग हो गए। अब वो मोती यादों के झरोखे से अक्सर हमें झांका करते हैं और फिर से हमें ख्याल आ जाता है अपने रिश्ते की उस डोर का। थैंक यू सो मच।